अपनी रक्षा के लिए मैं होटल के अंदर कैद हो गया और मैं प्रशासन से मांग करता रहा इस बात कि आप मुझे बचाइए, मैं कैसे भी यहां से निकलूं। और धाकरान चौराहे मेरा निवास स्थान है, धाकरान चौराहे को ही टारगेट करा गया। धाकरान पे रहने वाली मेरी महिलाओं को मारा पीटा, उनकी खोपड़ियां तोड़ दी, जो दुकानदार बेचारे अपनी दुकान पान की करते हैं उसकी आंख फोड़ दी, एक हलवाई की दुकान है बेचारा उसकी सर फोड़ दिया। उन्होंने आग पर क्या बिगाड़ा? लोकतंत्र तरीके से आप धरना आंदोलन प्रदर्शन करना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्र है देश के अंदर, लेकिन ऐसा क्यों करा? इसके पीछे लगता है सपा बसपा की जो मानसिकता के लोग हैं। अब मैं कहता हूँ वोट दलित विरोधी है, दलित समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सांसद और विधायक तो देश में सबसे ज्यादा पहुंचा, जिसके बाद एसपीसीटी बार बार कहते रहे कि नोएडा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कहीं ना कहीं एसपीसीटी का इसमें दोष मांगता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को फीडबैक सही नहीं दिया। मैं 100% एसपीसीटी पे आरोप लगा रहा हूं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी गलती इसमें रही। लॉ एंड ऑर्डर को कहते रहे कि कंट्रोल में, लेकिन कंट्रोल में नहीं था। जब उच्च अधिकारियों को यह पता लगा जब जाके फोर्स मार गया, शासन को अवगत कराया था। निश्चित तौर पर मैंने उत्तर प्रदेश के अपने शीर्ष नेतृत्व को शासन को बता दिया है, और मेरे पार्टी के जो नेता बैठे हैं मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आगरा को बता दिया है जो घटना घटी है। आपने जो आज जो हुआ ऐसा कभी देखा? अराजकता का